पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जान से मारने का आरोप लगाया है। निशा बांगरे ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुझे मरवाना चाहते थे और मुझे आज भी जान का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस से भी मदद मांगी थी। कुछ दिनों तक मेरे पास सुरक्षा गार्ड रहे, हालांकि बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई। दरअसल निशा बांगरे बीते दिनों छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी का प्रचार करने के लिए आई हुई थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। निशा बांगरे ने कहा कि शिवराज पुलिस के माध्यम से मुझे मरवाना चाहते थे। पुलिस मुझे गोली मारने और डंपर से कुचलवाने की धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे साथ कोई भी घटना हो सकती है। शिवराज ढोंगी मामा है, वो ढोंग करते हैं। अगर सच में वो महिलाओं का सम्मान करते तो मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती। निशा बांगरे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में रही हैं। कुछ महीने पहले छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद पर कार्यरत थी। विधानसभा चुनाव के पहले बैतूल के अमला विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने का मन बना लिया। अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस निशा बांगरे को बैतूल के आमला विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित करने वाली थी, लेकिन इस्तीफा मंजूर ना होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकी। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी की तरफ से इस्तीफा मंजूर ना होने पर उन्होंने भोपाल में एक प्रोटेस्ट भी किया था, जहां उन्होंने पुलिस पर कपड़े फाड़े जाने का आरोप लगाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।